नमस्कार प्रिय दर्शकों हाजिर हूं मैं पांच नवंबर 2020 आज आपके पूरे दिन का हाल लेकर यानी दैनिक राशिफल लेकर वार के स्वामी देव गुरु बृहस्पति को नमन कर चलिए राशिफल का कार्यक्रम प्रारंभ करते हैं बात करेंगे सबसे पहले आज के पंचांग की आज गुरुवार है कार्तिक मास कृष्ण पक्ष की आज पंचमी तिथि है आर्द्रा नक्षत्र है शिव योग कौलव कर्ण है बात हो गई पंचांग की चंद्रमा आज मिथुन राशि में है और अभिजीत मुहूर्त का समय दिन में ग्यारह बजकर के उन्नीस मिनट से दोपहर बारह बजकर के चार मिनट तक का होगा वही राहुकाल दोपहर एक बजकर के तीस मिनट से तीन बजे तक जैसा कि आप सभी जानते हैं कोई भी नया और शुभ कार्य जिस कार्य से चिरकाल तक लाभ लेना हो ऐसे प्रत्येक कार्य को अभिजित मुहूर्त में प्रारंभ करना चाहिए यह अभिजित मुहूर्त हरिकवती प्रिय राहु काल में कोई भी नया कार्य प्रारंभ नहीं करना चाहिए आज मूलांक से संबंधित विशेष एक रोचक तथ्य बताने वाला हूं दिव्य महाप्रयोग में तो दिव्य महाप्रयोग की बात करेंगे लेकिन उससे पूर्व बात कर लेते हैं गृहस्तुतियों की राहु वृषभ राशि में संचरण कर रहे हैं और चंद्रमा मिथुन राशि में शुक्र का संचरण कन्या राशि में जारी है सूर्य और बुद्ध युति बनाकर तुला राशि में संचरण कर रहे हैं तो वहीं केतु वृश्चिक राशि में संचरण कर रहे हैं देव गुरु का संचरण धनुराशि में जारी है शनि देव मकर राशि में संचरण कर रहे हैं और मीन राशि में मंगल का संचरण जारी है तो यह है ग्रहस्तुति गोचर में गुरु और चंद्रमा के आमने सामने होने से गज केसरी योग का निर्माण हो रहा है तो यह है ग्रहस्तुति इन्हीं ग्रहस्तुतियों के आधार पर आज मैंने आपके पूरे दिन का हाल तैयार किया है दैनिक राशिफल तैयार किया है वो नए दर्शक जो मेरे इस राशिफल के कार्यक्रम को आज पहली बार देख रहे हैं उनके लिए बता दूं यह राशिफल आपके जन्म राशि के आधार पर है यानी आपकी जन्म कुंडली में चंद्रमा जिस राशि में बैठे हैं वही आपकी जन्म राशि है अगर आप अपने जन्म राशि के बारे में नहीं जानते तो फिर आप अपने प्रचलित नाम राशि के आधार पर इस राशिफल को देख सकते हैं मूलांक पांच जी हां यदि आप मूलांक पांच से संबंधित हैं अथवा आपका मूलांक पांच होता है प्राय मूलांक निकालने के लिए आप लोग जानते हैं तो आपको भूल कर भी कभी गहरा कलर डार्क रंग डार्क कलर धारण नहीं करना चाहिए सदैव याद रखिए कि जिस भी रंग का आप कपड़ा इस्तेमाल करें हल्का रंग हो डार्क कलर नहीं होना चाहिए और विशेषकर आपकी सफलता हेतु सफेद रंग आपके लिए विशेष शुभ फल प्रदायक है तो सफेद रंग धारण करके आप अपने सभी वो कार्य जिस कार्य में आपको सफलता लेनी है ऐसे जगह पर जाना हो तो सफेद रंग का वस्त्र धारण करिए बिल्कुल सफेद और कभी भी बेहद गहरे कलर का वस्त्र धारण ना करिए आने वाले दिनों में मूलांक से संबंधित प्रत्येक मूलांक से संबंधित कुछ और रोचक तथ्य मैं आपको बताऊंगा दिव्य महाप्रयोग में अब चलते हैं राशिफल की ओर बात करेंगे राशियों के क्रम में पहली राशि मेष राशि के जातकों के लिए आज गोचर कुंडली में चंद्रमा तीसरे भाव में है गजकेसरी योग का निर्माण कर रहे हैं सो नए और उपयोगी कार्यों की शुरुआत करने हेतु दिन श्रेष्ठ है जरूरत पड़ने पर आपको सभी प्रकार का सहयोग मिलेगा भाग्य आपके साथ है सभी कार्यों में आपको सफलता मिलेगी कार्यस्थल पर दिन भर काम आज थोड़ा ज्यादा होगा लेकिन आपके सारे काम बनने वाले हैं रोजमर्रा के एक एक करके सभी कार्य पूरे होंगे आपके काम की तारीफ अवश्य होगी मेहनत आज थोड़ी ज्यादा रहने वाली है भागदौड़ थोड़ा ज्यादा होगा लेकिन आप जो भी फैसला अपने भविष्य को लेकर के लिए भविष्य को लेकर के लेते हैं उस फैसले का आपको लाभ मिलेगा पार्टनरशिप में अगर आप कार्य करते हैं तो आपको फायदा मिलने वाला है और कहीं भी आज पैसे का भुगतान करना है तो सावधान रहिए लापरवाही नहीं चल सकती लापरवाही से नुकसान होगा अपने प्रेमी पर जरा ध्यान रखिए प्रेम संबंध मुश्किल में पड़ता दिखाई पड़ रहा है हो सकता है प्रेम संबंध आपके ना ध्यान देने के कारण टूटने की कागार पर पहुंच जाए तो वहीं दाम्पत्य जीवन में मधुरता बनाए रखने के लिए जीवन साथी को आज कुछ उपहार दीजिए और विद्यार्थी हैं तो आज आप अपना समय खराब करेंगे मन पढ़ाई में आपका नहीं लगने वाला है और सेहत के दृष्टिकोण से देखें तो आज आपको सावधान रहना होगा सेहत में थोड़ी परेशानी हो सकती है चोट चपेट की घटना घटित हो सकती है जिसके चलते आप परेशान हो आज शिव मंदिर में मिश्री का दान आपके लिए फायदेमंद होगा लकी अंक आपके लिए आज चार है और लकी कलर आपके लिए आज सफेद निवेश आप कर सकते हैं और वृषभ की बात कर लें तो बहुत बढ़िया है दिन कोई नया ऑफर आपको मिलने वाला है जिसे स्वीकार करने के लिए आपको तैयार रहना चाहिए कोई अच्छी खबर आपको मिलने वाली है कार्यस्थल पर भी आज दिन बहुत बढ़िया है सभी को आप इंप्रेस करेंगे कोई राज की बात किसी से शेयर करने वाले हैं तो आज मत करिए और प्रेमी से मन की बात कहने के लिए यह समय अच्छा दिखाई पड़ रहा है लव लाइफ के लिए दिन देखा जाए तो बढ़िया है प्रेमी आपके पहल का इंतजार करने वाला है दाम्पत्य जीवन भी पूरी तरह से सुखद दिखाई पड़ रहा है जीवन साथी का आपको पूरा पूरा सहयोग मिलेगा तो मिला जुला करके देखा जाए तो चाहे वो प्रेम संबंध हो दाम्पत्य जीवन सभी प्रकार से दिन बढ़िया दिखाई पड़ रहा है और विद्यार्थियों के लिए बेहद खास है दिन जो नतीजा आपको मिलने वाला है जो परिणाम आपको मिलेगा उससे आप खुश होंगे सेहत के दृष्टिकोण से देखें तो आपको सावधान रहना चाहिए लंबी यात्रा पर जाने से आपको बचना चाहिए सेहत बिगड़ सकती है संभल करके इस मामले में रहिए और पक्षियों को आज तीन प्रकार का एक में मिला करके प्रातः काल ही दीजिए लकी अंक आज एक है और लकी कलर आपके लिए आज स्काई ब्लू निवेश आप कर सकते हैं और मिथुन की बात कर लें तो कुछ नया करने का विचार आपके दिमाग में आएगा कोई ना कोई योजना आज पूरे दिन प्लानिंग चलती ही रहने वाली आज आपका मन दिमाग शांत नहीं रहेगा तो वहीं धन के मामले में भी दिन बढ़िया दिखाई पड़ रहा है और यात्रा की स्थिति बन रही है नौकरी में अगर बदलाव की सोच रहे हैं तो बिल्कुल कर सकते हैं कार्य क्षेत्र में आज आपको सहयोग मिलने वाला है और निवेश आप करते हैं तो जरा सावधान रहिएगा शेयर मार्केट में निवेश आज आपके लिए नुकसानदेह है पैसा व्यर्थ में बर्बाद हो सकता है लव पार्टनर की भावनाओं की अनदेखी न करिए नहीं तो हो सकता है प्रेम संबंध में परेशानी आ जाए दाम्पत्य जीवन सामान्य और विद्यार्थी हैं तो जल्दबाजी में कोई फैसला न लीजिए वैसे विद्यार्थियों के लिए दिन बढ़िया है और सेहत के दृष्टिकोण से देखें तो बस मामूली थकान आपको हो सकती है कहीं कोई विशेष परेशानी नहीं है गाय को गुड़ आज दीजिएगा लकी अंक आपके लिए आज चार लकी कलर आपके लिए आज पीला है और जैसा मैंने कहा निवेश करने से बचिए कर्क की बात कर लें तो कोई बड़ा कार्य आपका बनेगा परंतु धैर्य के साथ कार्य आपने किया तो कुछ जरूरी कार्य आपके पूर्ण होंगे बस आप कोशिश करते रहिए खुशी मिलेगी परिवार का माहौल भी आज बढ़िया रहने वाला है नौकरी हो या परिवार दोनों ही स्तर पर आज आप सफल हैं दोनों के बीच सामंजस्य आप बिठा लेंगे कार्यस्थल पर कामकाज का आज थोड़ा ज्यादा रहने वाला है परंतु कोई चिंता नहीं और व्यापारी हैं, तो व्यापार में जोखिम भरा फैसला लेने से आपको बचना होगा खर्च की अधिकता हो सकती है किसी के साथ भी किसी तरह की जोर जबरदस्ती आज आपको नहीं करनी है और नए प्रेम संबंधों की शुरुआत नए प्रेम संबंध की शुरुआत होने जा रही है विवाह का प्रस्ताव आज मिल सकता है और किसी तरह की पुरानी चिंता से आप चिंतित हैं वो चिंता भी खत्म तो वहीं विद्यार्थियों के लिए आज का दिन बहुत बढ़िया है कम मेहनत में अच्छी सफलता अच्छे परिणाम आपको मिलने वाले हैं और सेहत के दृष्टिकोण से देखें तो मन में शांति रहेगी सेहत में कहीं कोई दिक्कत नहीं सेहत सभी प्रकार से बढ़िया आज मंदिर में जाकर के चने की दाल आप दान कर दीजिएगा लकी अंक आपके लिए छह लकी कलर आपके लिए आज केसरिया और निवेश आप ना करें स्व की बात करें तो आज लाभ ही लाभ है सभी प्रकार से दिन बेहद शुभ फल प्रदान करने वाला है जहां लाभ की स्थिति बन रही है वही कार्यस्थल पर आज काम थोड़ा ज्यादा होगा लेकिन जो साथ के लोग हैं उनसे आपको हर प्रकार से मदद मिलेगी पूर्व से चली आ रही कोई परेशानी आज आपकी सुलझने वाली है किसी भी तरह से अपने स्वभाव में उग्रता का समावेश ना होने दीजिए और व्यापारी हैं तो लाभ की स्थिति बन रही है निवेश के दृष्टिकोण से दिन बहुत बढ़िया है समय बहुत बढ़िया है शेयर मार्केट में निवेश आपके लिए लाभदायी होगा आज आपको बाहर का भोजन नहीं करना चाहिए दाम्पत्य जीवन पूरी तरह से सुखद प्रेम संबंध मधुर रहने वाला है प्रेम संबंध में मजबूती आएगी और विद्यार्थियों को आज अच्छी सफलता मिलने वाली है किसी भी तरह की कोई ऑनलाइन परीक्षा इत्यादि आप देते हैं तो सफलता के लिए तैयार रहिए और सेहत के दृष्टिकोण से देखें तो पेट से संबंधित परेशानी आज, आज आपको हो सकती है आज सफेद मदार का पुष्प भोलेनाथ को जाकर के अर्पित करिए लकी अंक आपके लिए आज चार लकी कलर आपके लिए आज लाल है कन्या की बात करें तो आज उत्साह चरम पर रहने वाला है आपके कुछ नया करने की कोशिश करेंगे हर मामले में आपको सफलता मिलेगी पारिवारिक जीवन हो या कार्य क्षेत्र स्थल का जीवन सभी मामलों में दिन बहुत बढ़िया है पारिवारिक मामलों में कोई स्थायी फैसला लेना पड़ेगा परिवार को लेकर कोई स्थाई फैसला आपको लेना पड़ सकता है और कार्यस्थल पर आपके प्रस्ताव का समर्थन सबों के द्वारा होगा पदोन्नति की स्थिति दिखाई पड़ रही है और किसी भी तरह के निवेश के लिए समय बेहद खास बहुत बढ़िया बिना जानकारी किसी से कोई बात मत कहिए इधर की बात उधर करने से बचिए और जीवन साथी के साथ संबंध मधुर होने वाला है परिवार का सहयोग आज आपको मिलने वाला है और आज जबरदस्त सफलता का दिन है भाग्य आपके साथ है विद्यार्थियों को भी सफलता मिलने वाली है पढ़ाई में मन लगेगा मेहनत आप करेंगे और उसका पूरा फायदा आपको मिलने वाला है और सेहत के दृष्टिकोण से देखें तो सेहत में कहीं कोई दिक्कत नहीं है गर्म भोज्य पदार्थ से बचिए अन्यथा मुंह में छाले पड़ेंगे और किसी भी तरह की कोई पीली वस्तु चाहे वो चने की दाल हो या कोई पीले रंग का कपड़ा आज मंदिर में जाकर के दान करिए लकी अंक आपके लिए आज चार लकी कलर आपके लिए आज क्रीम निवेश आप करें और बात तुला राशि की कर लेते हैं तुला राशि के जातकों के लिए आज का दिन बहुत बढ़िया है महत्वाकांक्षा आपकी थोड़ी ज्यादा होने वाली है सफलता मिलेगी पहल आपको करनी होगी कोशिश करते रहिएगा जो भी आपके महत्वपूर्ण कार्य हैं जिस भी मामले में आप फैसला लेंगे फैसला खुद लीजिएगा सफलता मिलेगी ऑफिस में आज आपको पूरा महत्व मिलेगा आय की स्थिति बहुत बहुत अच्छी, धन संचयन के दृष्टिकोण से दिन बहुत बढ़िया और व्यापारी हैं, तो व्यापार से संबंधित कोई नया ऑफर आपको मिलेगा भाग्य का साथ मिल रहा है तो कहीं कोई दिक्कत नहीं निवेश का मन आप बना सकते हैं सोचे हुए काम आज ही आपको शुरू कर लेने होंगे और साथ के लोगों से आज आपको मदद मिलेगी अब यह सब होगा कैसे तो आत्मविश्वास के दम पर उत्साह के दम पर उम्मीद के दम पर थोड़ा जोखिम लेना होगा तभी जाकर के आपके काम बनेंगे खुद को सिद्ध करने के लिए दिन बहुत बढ़िया है लव प्रपोजल देना चाहते हैं तो आज दे सकते हैं और दूसरों के भरोसे रह करके केवल और केवल नुकसान के लिए तैयार रहिएगा लव लाइफ में कुछ गलत फहमी उत्पन्न हो सकती है आपको सावधान रहना होगा और अपने ही बात पर अड़े रहेंगे तो ये आपके लिए नुकसानदेह है प्रेम संबंध में मुश्किल आ जाएगी दाम्पत्य जीवन सामान्य और विद्यार्थी आज के नतीजे जो भी आपके सम्माते हैं मेहनत का जो भी नतीजा आ रहा है वो बेहद संतुष्टिजन्य है ऐसा मैं नहीं कह सकता सेहत आपकी थोड़ी कमजोर रहने वाली है और कोई पुराना रोग आपको परेशान कर सकता है हनुमान जी के मंदिर में जाकर के उन्हें तुलसी की माला अर्पित करिए लकी अंक आपके लिए आज चार लकी कलर आपके लिए आज बादामी है और बात वृश्चिक की कर ले आपको बस जरूरत पड़नी चाहिए काम रुकेगा नहीं मदद मिलेगी चाहे वो आपके उच्चाधिकारी हो चाहे वो आपके साथ के लोग सभी आपके लिए तैयार रहेंगे मन को अपने साफ रखिए विचार को अपने साथ साफ रखिए मेहनत का पूरा पूरा फल मिलने वाला है नए रास्ते खुद ब खुद बनते चले जाएंगे और कार्यस्थल पर अपनी जिम्मेवारियों को पूरी तरह से निभाने में आप पूरी तरह से सफल रहने वाले हैं कार्य पूर्ण होने का योग बन रहा है तो वहीं कोई बड़ा फैसला करने वाले हैं तो आप बिल्कुल जानकार की राय से कर सकते हैं लव पार्टनर से आपको कोई उपहार मिलने वाला है और आज जहां भी रहिए धैर्य से काम लीजिए किसी के साथ भी मतभेद है उसे खत्म करने का प्रयास करिए और बहस में फंसने से आपको बचना चाहिए विद्यार्थियों के लिए दिन बढ़िया है और सेहत के दृष्टिकोण से देखें तो सेहत के मामले में आज आपको सावधान रहना होगा आंखों में आज जलन व जिनको पूर्व से ही गैस्ट्रिक इत्यादि की परेशानियां हैं उनको परेशानी आज बढ़ेगी उनकी परेशानी आज बढ़ेगी गणेश जी के मंदिर में जाकर के आज लड्डू का भोग उन्हें लगाइए लड्डू अर्पित करिए लकी अंक आपके लिए चार लकी कलर है आपके लिए आज स्काई ब्लू निवेश आज आप ना करें और धनु की बात कर लें तो जितने भी आपके रोजमर्रा के काम हैं वो आपकी मेहनत से आत्मविश्वास के कारण आपके सारे काम बनेंगे सहयोग मिलेगा और सहयोग से आपके काम बनेंगे धन के मामले में आपको धैर्य रखना होगा पैसों की स्थिति में जल्द ही अच्छे बदलाव होने वाले हैं और ऑफिस में कोई बड़ा कार्य कोई बड़ी जिम्मेवारी आपको दी जाएगी करियर में कुछ बड़े फैसले लेने पड़ेंगे आपको आपको आप लेंगे लें उनसे आपको फायदा होगा कई मामलों में तो आज आपसे भी सलाह मांगेंगे और आपकी बात को हाथो हाथ लिया जाएगा कुछ पुरानी समस्याएं जो बहुत दिनों से आपको परेशान करती आ रही थी वो खत्म हो जाएंगी और हर मामले में दिन बढ़िया है मन भी आपका बढ़िया रहेगा मन शांत रहेगा कार्य क्षेत्र में उन्नति की स्थिति बन रही है फायदा मिलेगा नई नौकरी के कागजों पर आज आप साइन कर सकते हैं व्यापारी हैं तो व्यापार में कुछ नए कार्यों की शुरुआत होगी नए लोगों से मुलाकात होगी और आपके संबंध बेहद मजबूत होते दिखाई पड़ रहे हैं कोई बड़ी खरीदारी करने वाले हैं तो आज ना करें लव लाइफ के लिए देखा जाए तो आज लव लाइफ के लिए दिन बहुत बढ़िया है जीवन साथी से प्रेम सहयोग और सुख मिलेगा और प्रेम संबंध के लिए देखा जाए तो प्रेम संबंध के लिए भी दिन बहुत बढ़िया है विद्यार्थियों को आज जबरदस्त सफलता मिलने वाली है सेहत के दृष्टिकोण से देखें तो आज दिन बहुत बढ़िया है जैसे आज आप पूरे दिन तरोताजा महसूस करेंगे आज भगवान श्री हरि विष्णु का ध्यान करिए और राम रक्षा स्तोत्र का पाठ करिए अथवा श्रवण करिए लकी अंक आपके लिए दो लकी कलर आपके लिए आज बादामी है निवेश आप ना करें मकर की बात करें तो जितने भी आपके खास कार्य हैं सब एक एक करके पूर्ण हो जाएंगे बस योजनाबद्ध ढंग से कार्य करिए कोई ऐसी योजना आपकी बनने वाली है जिससे आने वाले दिनों में बड़ा लाभ आपको होने वाला है बड़ा फायदा होने वाला है नौकरी पेशा लोगों को आज थोड़ी परेशानी होगी अधिकारियों के कारण और व्यापारियों के लिए दिन बहुत अच्छा है परंतु व्यापार में आज किसी को उधार मत दीजिए वाहन चलाने में तनिक भी लापरवाही आज आप न करिएगा चोट चपेट की घटना घटित हो सकती है और जीवन साथी से आपको सहयोग मिलेगा प्रेमी के साथ समय व्यतीत करना आपके लिए बढ़िया होगा बीती बातों को अगर भूलने की कोशिश करें तो सब कुछ अच्छा हो जाएगा और विद्यार्थी हैं तो पढ़ाई पर नए सिरे से ध्यान दीजिए समय बहुत बढ़िया है सेहत के मामले में आज, आज आपको सावधान रहना होगा पुराने रोग आज, आज आपको परेशान कर सकते हैं और आज घर के छत पर पक्षियों को दाना डालिए पक्षियों के लिए दाना रख दीजिएगा लकी अंक आपके लिए आज नौ लकी कलर आपके लिए आज हरा है निवेश आपको नहीं करना और कुंभ की बात कर लें तो आगे बढ़ने का मौका आपको मिलेगा बस योजना तैयार रखिए कोई भी योजना बनाएंगे उस पर कार्य करेंगे तो फायदा तो बड़ा ही मिलेगा करियर में बदलाव करने के लिए दिन बहुत बढ़िया है कोई बड़ा बदलाव होने वाला है और समझदारी का आपको आपके समझदारी का फायदा मिलेगा व्यापारी हैं तो समय बेहद आपके लिए अनुकूल है फायदे के लिए जो भी योजना आप बनाते हैं वो योजना आपकी सफल होने वाली है व्यापार में किसी भी तरह की कंफ्यूजन की स्थिति है तो उसे आज दूर करने का प्रयत्न करिए जरूरत पड़ने पर जानकार की राय लीजिए पार्टनर राय लीजिए और किसी के साथ किसी भी प्रकार के बहस में मत फंसी लव लाइफ में आज आपको सावधान रहना है आज हो सकता है कोई मुश्किल खड़ी हो जाए लव लाइफ में दाम्पत्य जीवन सामान्य और विद्यार्थियों का मन आज पढ़ाई में लगेगा जरूरत पड़ने पर मदद भी मिलेगी छात्रों को आज जबरदस्त मेहनत करनी चाहिए सफलता मिलेगी और पेट के रोग आज आपको परेशान कर सकते हैं जरा सावधान रहिएगा आज घर से बाहर जाने से पूर्व एक चम्मच दही अवश्य खा लीजिएगा लकी अंक आपके लिए आज आठ लकी कलर है। आपके लिए आज सिंदूरी निवेश आप करें मीन की बात कर लें तो तारीफ और सम्मान के योग्य काम करने वाले हैं आप कार्य स्थल पर देखा जाए तो साथ के लोगों के मध्य आपकी इज्जत बनी रहेगी आज आपके लिए कम बोलना और ज्यादा सुनना बेहतर होगा साथ के लोगों से आपको सहानुभूति मिलेगी अधिकारियों से भी जरूरत पड़ने पर मदद मिलने वाला है हर मामले में आज आपको धैर्य बनाकर के रखना है ज्यादातर मामलों में आप आसानी से सफल रहेंगे व्यापारी हैं तो व्यापार में आज अचानक बड़ा लाभ मिल सकता है पैसों से संबंधित संपत्ति से संबंधित कोई महत्वपूर्ण सौदा आज आपका बन सकता है कोई भी बड़ा फैसला लीजिए तो जरा सोच विचार कर धैर्य के साथ लीजिए और पारिवारिक संबंधों को भी आज महत्व दीजिए परिवार के लोगों से बातचीत करके जब आप काम करेंगे तो सफलता अवश्य मिलेगी प्रेमी के साथ संबंध मधुर बनाने की आपको कोशिश करनी होगी सफलता मिलेगी दाम्पत्य जीवन सामान्य और विद्यार्थी कड़ी मेहनत करने के लिए तैयार हो जाए संघर्ष पूर्ण दिन तो नहीं कह सकता परंतु मेहनत अगर आप करते हैं कड़ी मेहनत करते हैं तो जबरदस्त सफलता मिलेगी सेहत के मामले में कोई विशेष परेशानी नहीं है बस खान पान का ध्यान रखिएगा और कहीं भी आपको लाल मदार का पुष्प यानी पौधा दिखाई पड़े पुष्प वाला पौधा तो ऐसे पौधे की जड़ में थोड़ा सा जल जाकर के अर्पित करिए लकी अंक आपके लिए चार लकी कलर आपके लिए आज ग्रे है निवेश आज आप जानकार की राय से करें तो प्रिय दर्शकों यह था मेष से लेकर मीन राशि पर्यंत प्रत्येक राशि के जातकों का पूरे दिन का हाल अभी के लिए बस इतना ही इजाजत दीजिए पुनः मुलाकात होगी तब तक के लिए नमस्कार